हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और G20 न्यू दिल्ली के इवेंट में पीएम मोदी ने सभी लीडर्स को प्रॉपरली वेलकम किया एक्सेप्ट वन पर्सन। ये देखो, मोदी जी वेलकमिंग ऋषि सुनाक, जॉर्जिया मेलोनी एंड कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडेव। मोदी जी मानो लिटरली कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि हाँ भाई, अब चलो साइड हटो। और बाय द वे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कनाडा का खुद का न्यूज़पेपर सन टोरंटो ने इस न्यूज को ऐसे हेडलाइन के साथ कवर किया, दिस वे आउट। Just imagine, so humiliating for Canada and more specifically Justin Trudeau. लेकिन ये इकलौता ऐसा इंस्टेंस नहीं है। G20 में ऐसे कई सारे इवेंट्स आपको दिखेंगे, जैसे जहां पर बाकी देशों के PMs को रिसीव करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स को भेजा गया, वहीं पर ट्रूडेव को किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर ने रिसीव नहीं किया, बस सिर्फ एक जूनियर मिनिस्टर वहां पर गए थे उन्हें रिसीव करने। इसी तरह जहां पर सारे लीडर्स को न्यू दिल्ली पहुंचते ही एक वेलकम नोट दिया गया था, जस्टिन ट्रूडेव को ऐसे किसी भी नोट से ग्रीट नहीं किया गया। और इंडिया के इस ट्रीटमेंट के बावजूद ग्लोबल न्यूज़पेपर इंडिया को क्रिटिसाइज करने के बदले जस्टिन ट्रूडेव के ही फेलियर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रूडेव को उसके कुछ बहुत ही घिनौने एक्शंस की वजह से इंडिया में ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट मिली हो, बल्कि 2018 में भी उनके इंडिया विजिट के दौरान उन्हें सेम ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा था इन इंडिया। 2018 में तो इजरायली पीएम और यूएई क्राउन प्रिंस भी इंडिया विजिट पर आए थे और उन्हें रिसीव करने के लिए खुद पीएम मोदी प्रेजेंट थे, लेकिन वहीं पर जस्टिन ट्रूडेव इंडिया विजिट के लिए अपनी फैमिली के साथ जब आए, तब उन्हें रिसीव करने ना पीएम, ना होम मिनिस्टर और ना ही फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद थे, बल्कि उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया। इसके बाद भी जब जस्टिन ट्रूडेव अपनी फैमिली के साथ ताजमहल विजिट करने गए, तभी भी उन्हें रिसीव करने के लिए ना यूपी के सीएम गए और ना ही उनकी गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर, बल्कि आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिसीव किया। और वहीं पर बस एक महीने पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू आए थे, तब यूपी सीएम योगी जी ने पर्सनली उन्हें ताजमहल दिखाया था। अब चलो, ये तो फिर भी रिसीव करने की बात हुई, लेकिन डू यू नो, उनके साथ मीटिंग्स करने के लिए भी काफी सारे मिनिस्टर्स ने डिनाई कर दिया था। सो हुआ कुछ यू, ट्रूडेव अपनी मीट के दौरान तब के पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिलने वाले थे, लेकिन क्योंकि ट्रूडेव अपने फॉरेन मिनिस्टर और खालिस्तानी सपोर्टर हरजीत सज्जन के साथ वहां पर आए थे, तो पंजाब सीएम ने हरजीत सज्जन को एक खालिस्तानी सिंपथाइजर कहकर ट्रूडेव से मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती। इसे देखकर ट्रूडेव ने स्पेशली अमरिंदर सिंह जी को लेटर कर उनसे फिर मिलने की रिक्वेस्ट जाहिर की, जिसके बाद अमरिंदर सिंह जी ने हां तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ट्रूडेव को मिलते ही एक लिस्ट पकड़ा दिया जिसमें 9 खालिस्तानी टेररिस्ट के नाम मेंशन थे जो कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे, और उन्होंने ट्रूडेव को इन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। एंड इंटरेस्टिंगली, इन्हीं 9 नामों में से एक नाम हरदीप सिंह निज्जर का भी था। अब अगर आपको पता नहीं ये शख्स कौन है, तो इस नाम को बहुत ही ध्यान से याद रखिए, क्योंकि आगे जाकर कहानी में ये बड़ा किरदार बनने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कमिंग बैक, अगर हम ट्रूडेव के 2018 के विजिट को देखें, तो उनके 7 दिन के विजिट में सिर्फ लास्ट डे पर पीएम मोदी उनसे मिलने गए, और तो और बाकी के 7 दिनों के दौरान भी पहले 3 से 4 दिनों में कोई भी सीनियर मिनिस्टर मिलने तक नहीं गया। एंड माइंड यू, ये पूरी दुनिया देख रही थी, दिस वॉज अ ग्लोबल ह्यूमिलिएशन फॉर जस्टिन ट्रूडेव। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे पब्लिश किया विद द हेडलाइंस, ट्रूडेव विजिट इज अ टोटल डिजास्टर। अल जजीरा ने लिखा, डिड मोदी गवर्नमेंट स्नब कैनेडियन पीएम, और वहीं पर डेली वायर न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया, जस्टिन ट्रूडेव मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। अब फ्रेंड्स, ये सारे इंस्टेंसेस से सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये इतने भोले भाले दिखने वाले जस्टिन ट्रूडेव के अगेंस्ट ऐसे ह्यूमिलिएटिंग एक्शंस क्यों लिए जा रहे हैं? सो वेल फ्रेंड्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं ना, तो जस्टिन ट्रूडेव ट्रूली डिजर्व्स दिस ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट फॉर हिज सिंपथेटिक ऑब्सेशन विद खालिस्तान। एक्चुअली फ्रेंड्स, इंडिया भी ना जिस तरीके से कनाडा के साथ अपने रिलेशंस हैंडल कर रहा है, वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। इन्हें कई बार ऐसे खालसा डे परेड में पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया है, जहां पर खालिस्तान के फ्लैग्स होस्ट हैं और भिंद्रन वाले जैसे मिलिटेंट्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, कनाडा को खालिस्तान मामले से एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं कि कैसे ये खालिस्तान इन कनाडा का मुद्दा टुडे फैमिली द्वारा उछाला हुआ वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही मुद्दा है और कुछ नहीं। सो शुरू करते हैं साल 2017 से, जब कनाडा के वैंकूवर शहर में एक एनुअल नगर कीर्तन था, जहां पर जस्टिन ट्रूडेव भी शामिल थे। इस कीर्तन में इन फेमस खालिस्तानी सेपरेटिस्ट
जर्नैल सिंह भिंद्रनवाला के पोस्टर्स लगे थे, खालिस्तान के फ्लैग्स होस्ट किए गए थे और कीर्तन में तब के पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुलेआम गालियां तक दी जा रही थी। उसी साल 2017 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन नाम के सिख ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें इंडिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्लासिफाई करके बैन किया गया है, उनके ऑर्गेनाइज्ड खालसा डे परेड्स पर भी जस्टिन ट्रूडेव शामिल थे। इनफैक्ट इस फंक्शन में तो फॉर खालिस्तानी कॉज के अचीवर्स को अवार्ड्स तक दिए जा रहे थे और ये सब भी जस्टिन ट्रूडेव के प्रेजेंस में हो रहा था। लेकिन इस सब के बाद भी हद तो 2018 में पार हुई जब अपने इंडिया विजिट के दौरान ट्रूडेव ने खालिस्तानी कन्विक्टेड टेररिस्ट जसपाल अटवाल को डिनर के लिए इनवाइट किया। अब अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये बता दूं कि जसपाल अटवाल वही इंसान है जिसने 1991 में अकाली दल पार्टी के लीडर मलकियात सिंह सिद्धू, जो उस समय पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी थे, उनका मर्डर किया था। सो ये था जस्टिन ट्रूडेव का अंधाधुंध सपोर्ट टू खालिस्तानी। लेकिन रुको, अभी इनके पिताजी का पिक्चर में आना बाकी है। सो 1982 में जब तब के इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने जस्टिन के फादर पियर ट्रूडेव, जो तब के कैनेडियन पीएम थे, उनसे एक प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट तलविंदर परमार की एक्सट्रेडिशन की बात की, तब उस वक्त भी पियर ट्रूडेव ने साफ साफ इनकार कर दिया था एक्सट्रेडिशन के लिए। और उस वक्त तलविंदर को इंडिया क्यों बुलाया जा रहा था? Well, because तलविंदर ने इंडिया के दो पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर कर दिया। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पियर क्लियरली तलविंदर को शील्ड कर रहे थे और उसे एक्सट्राडाइट होने से बचा रहे थे। अब हालांकि टेररिस्ट का साथ देने का प्राइस कनाडा ने खुद पे किया, और वो ऐसे कि एक्सट्राडिक्ट होने से बचने के 3 साल बाद 1985 में इसी तलविंदर सिंह परमार ने वैंकूवर से निकलने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए, और इस फ्लाइट में मेजरली तो कैनेडियन सिटीजंस ही थे। अब देखा जाए तो इस टेरर अटैक के दो बड़े मास्टरमाइंड्स थे, तलविंदर सिंह परमार खुद और इंद्रजीत सिंह रियात। लेकिन तलविंदर परमार जब पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में इलीगली घुस रहा था, तब इंडियन ऑफिशियल्स ने उसका एनकाउंटर कर दिया। सो ऑब्वियसली इंद्रजीत सिंह रियात अकेला ही 1985 के एयरप्लेन बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज था, और कनाडा का प्राइम अक्यूज भी होना चाहिए था, राइट? क्योंकि जैसे मैंने बताया, उस ब्लास्ट में मेजॉरिटी कैनेडियन सिटीजंस थे। मगर You will not believe, पियर के बेटे जस्टिन ट्रूडेव ने उसे भी जेल से छुड़वा दिया। Well, यहाँ पर आप टाइमलाइन को ही देखो। जस्टिन ट्रूडेव नवंबर 2015 में पीएम बने और फरवरी 2016 में इंद्रजीत सिंह रियात को उसकी सजा से माफ करके जेल से छोड़ दिया जाता। So clearly, ट्रूडेव फैमिली इज सपोर्टिंग खालिस्तानीज एंड इज एक्चुअली ऑब्सेस्ड विद खालिस्तानीज। सो अब यहाँ पर अगला सवाल आता है कि व्हाई आर दे सो ऑब्सेस्ड विद खालिस्तानीज? तो वेल, अगर आप पियर ट्रूडेव या जस्टिन ट्रूडेव के टेन्योर को देखोगे, तो जब ट्रूडेव्स पावर में होते हैं ना, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफी टेंस हो जाते हैं, और वहीं रेस्ट ऑफ द टाइम इंडिया कनाडा के रिलेशंस काफी फ्लरिश होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आजादी के तुरंत बाद जब इंडिया का डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, कनाडा ने फूड, फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था, जो टोटल 3.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स के वर्थ का था। और वैसे ही 1995 में जब पियर ट्रूडेव पावर में नहीं थे, तब कनाडा ने फोकस इंडिया नाम के प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अंडर तब के पीएम जीन श्रेटियन ने 1996 में ह्यूज डेलीगेशन के साथ इंडिया को विजिट भी किया था। उस डेलीगेशन में 300 से ज्यादा बिजनेस डेलीगेट्स थे, और इसी विजिट के दौरान इंडिया और कनाडा ने 3.4 बिलियन यूएस डॉलर्स के डील्स भी साइन किए। उसी तरह जस्टिन ट्रूडेव के पीएम बनने के जस्ट पहले 2015 में इंडिया और कनाडा ने 3000 मेट्रिक टन के यूरेनियम सप्लाई को लेकर भी एक स्ट्रेटेजिक डील की थी। बट अब देखो, ट्रूडेव के पीएम बनते ही रिलेशंस वापस से टेंस हो गए। अब ऐसे में आपको कई सारे इंस्टेंसेस दे दूंगा जिसमें कनाडा और इंडिया के बीच के रिलेशंस काफी ज्यादा फ्लरिश हो रहे हैं, which leads us back again to that question कि आखिर ट्रूडेव को इतना भी क्या पर्सनल गेन मिल रहा है कि वो इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ क्रॉस पे चले जाए। Well friends, for this we will have to dive deep into Canadian politics, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, so बने रहो। So basically बात कुछ ऐसी है ना, कनाडा में गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 170 सीट्स की मेजॉरिटी लगती है। लेकिन जस्टिन ट्रूडेव के पिछले दो टर्म्स को अगर देखें, तो मेजॉरिटी में पहुंचने के लिए वो दोनों बार थोड़े सीट से बच गए, और इसीलिए अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडेव ने एनडीपी पार्टी, जो मेजरली खालिस्तानी द्वारा हेडेड एक पार्टी है, उनके 20 सीट्स की हेल्प ली और कनाडा में दो बार अपनी गवर्नमेंट बनाई। इनफैक्ट एनडीपी पार्टी के हेड जगमीत सिंह को तो फेमसली किंग मेकर भी कहा जाता है, और वो खुद एक बहुत बड़े प्रो खालिस्तानी है। तो उनके कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए
जस्टिन ट्रूडेओ को ऑब्वियसली उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात आप समझते हो, मैं समझता हूँ, तो क्या हमारा देश नहीं समझता? वेल, बहुत अच्छे से समझता है, और इसीलिए इंडिया आज ईंट का जवाब बखूबी पत्थर से दे रहा है। जून 2023 को इंडिया ने इतिहास में पहली बार इसराइल और यूएस जैसे पावरफुल कंट्रीज के जैसे एक हिस्टोरिक कदम उठाया। ये देश अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ते। अगर आपने स्टीवन स्पीलबर्ग की फेमस फिल्म म्यूनिच अगर देखी होगी, तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे इसराइल ने पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को दुनिया भर में ढूंढ ढूंढ कर असैसिनेट किया था और अपना बदला निकाला था। और इस बार इंडिया ने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ कदम अपने दुश्मनों के खिलाफ उठाया, जो कि पहले कभी नहीं किया था। इनफैक्ट ये कदम अभी भी उठाया जा रहा है व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर नाम के खालिस्तानी सपोर्टर को वैंकूवर कनाडा में गोली मार दी गई थी। अब याद हो तो मैंने पहले कहा था ये नाम याद रखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे। दरअसल 1997 से हरदीप सिंह निज्जर कनाडा से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। इन एक्टिविटीज के साथ वो एक रिलीजियस फिगर भी था और एक लोकल गुरुद्वारे की कमेटी में भी शामिल था। एक बार सिख होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब की प्रिंटिंग को लेकर निज्जर का झगड़ा दूसरे कमेटी मेंबर के साथ हो गया। इनका नाम था रिपु दमन सिंह मलिक, और इस झगड़े के कुछ ही दिनों बाद जून 2022 में मलिक की हत्या हो गई। अब नेचुरली इस हत्या का दोषी निज्जर को माना जाने लगा, क्योंकि हाल ही में मलिक का झगड़ा निज्जर के साथ हुआ था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कॉन्क्रीट प्रूफ ना मिलने की वजह से निज्जर निर्दोष साबित हुआ, और इसके बाद से ही मलिक ग्रुप निज्जर से बदला लेने की कोशिशें करने लग गए। और फिर जाकर 19 जून 2023 को निज्जर को गुरुद्वारे के पार्किंग में अकेले देखते ही उसकी गोली मारकर हत्या हो गई। अब इससे पहले कि आप झट से इसे गैंग वॉर कह के कंक्लूड कर दो, आपको एक और एक कोइंसिडेंस बताता हूं, जहां फिर से इंडिया का ही एक दुश्मन कोर्ट गैंग वॉर में मारा गया। 21 सितंबर 2023 को एक और एक खालिस्तानी सपोर्टर सुखदूल सिंह, जिसे सुखा के नाम से जाना जाता था, उसे कनाडा में गोली मार दी गई। सुखा वो खालिस्तानी था जिसे NIA ने अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा हुआ था। वो बेसिकली पंजाब के मोगा एरिया का रहने वाला था, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम के एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मेंबर था। सुखा 2017 से ही कनाडा में रह रहा था, और जून में निज्जर के मर्डर के बाद ही वो निज्जर की जगह लेने की कोशिश करने लग गया। अब अगर आप इन दोनों के मर्डर्स के पैटर्न को देखोगे, तो इनमें कई सिमिलैरिटीज नजर आएगी, जैसे कि दोनों ही खालिस्तानी सपोर्टर्स इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे, और दोनों की मर्डर्स के पीछे का जिम्मेदार मीडिया गैंग वॉर को बता रही है, और किसी को भी नहीं मालूम कि एग्जैक्टली किसने उनको मारा। मर्डरर्स की रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, जैसे कि मानो अपने टारगेट को एलिमिनेट करने के बाद वो हवा में गायब हो गए। इनफैक्ट इवन निज्जर ने अपने मौत के कुछ ही टाइम पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने दुश्मनों के हिट लिस्ट में है। और हम सभी को ये पता है कि रिसेंटली ही कैनेडियन PM ने भी अपने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि निज्जर के मर्डर के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ है। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. So basically, इस बात को कम्प्लीटली रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे इंडिया का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि इंडिया के स्ट्रेटेजी से बेसिकली सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। मतलब दुश्मनों में एक डर का माहौल भी फैल जाता है, लेकिन पीछे कोई सबूत भी नहीं छूटता, जो कि इनडायरेक्टली दुश्मनों को और ज्यादा डिटर करता है। अब क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ किया, इसका कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए इंडिया ओपनली कनाडा को डिप्लोमेटिक डिफीट दे रहा है। कनाडा के इन क्लेम्स को कॉन्स्पिरेसी थियरीज कहकर रफू चक्कर कर दे रहा है। दैट दीज एलिगेशंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आर प्राइमरीली पॉलिटिकली ड्रिवन। जस्टिन ट्रूडेओ ने ओपनली मीडिया के सामने इंडिया को किलिंग्स के लिए एक्यूज किया था, और उसी दिन यानी 10 सितंबर को PM मोदी ने ट्रूडेओ को मीटिंग लेकर हार्श शब्दों में फटकार लगाया। ठीक इसके चार दिनों बाद इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस इशू को लेकर कनाडा से FTA ही रोक दिया। Make sure that geopolitically and economically we are all on the same page. And therefore, the pause on the Canada discussions. 19 September को इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमैट ओलिवियर सिल्वेस्टर को 5 दिनों में इंडिया छोड़ो ऐसे कड़े शब्द कहकर देश से बाहर निकाला, और 20 September को इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने सीधे एक एडवाइजरी ही जारी कर दी, जिसमें इंडिया ने अपने सिटीजन्स को कनाडा जाना अवॉइड करे ऐसा एडवाइस किया, और वहां के इंडियन स्टूडेंट्स को सेफ रहने के लिए इत्तला किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे US पाकिस्तान जैसे टेररिज्म अफेक्टेड कंट्रीज के मामले में अपने को कॉशन इशू करता है, और आखिर में इंडिया के NIA ने तो एक बड़ी सी खालिस्तानी टेररिस्ट की लिस्ट जारी कर दी
जो कनाडा में बेस्ड है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, इंडिया अपनी इस मास्टर स्ट्रेटजी से कनाडा को आइसोलेट कर रहा है। हमने कनाडा के ग्लोबल अलायंसेस को भी कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। आज के तारीख में फ्रेंड्स, कनाडा पर यह सिचुएशन आ चुकी है कि उसे अपने मदद के लिए दूसरे बड़े कंट्री से हेल्प मांगनी पड़ रही है, जिसके लिए टुडे ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन और यूके पीएम ऋषि सुनाक को कॉल कर इस मैटर पर अपडेट किया है। He's spoken to Joe Biden, Rishi Sunak as well as Emmanuel Macron. लेकिन टुडेव का ये स्टेप कॉल फॉर हेल्प ज्यादा लग रहा है, जिसमें टुडेव फ्रेंड के अगेंस्ट फ्रेंड की हेल्प मांग रहा है, क्योंकि हम सभी को यह पता है इन तीनों ही देशों के साथ इंडिया के कितने अच्छे और फ्लरिशिंग रिलेशंस हैं। इवन हाल ही में दिल्ली में हुए G20 समिट के दौरान ये फ्रेंडशिप और भी ज्यादा क्लियरली विजिबल हुई। अगर इंडिया की बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो इंडिया ने तो पब्लिकली एक बोल्ड स्टेटमेंट भी पास कर दिया है कि कनाडा टेररिस्ट को एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, इससे यह भी पॉसिबिलिटी आती है कि पाकिस्तान की तरह यही टेररिस्ट उल्टा कैनेडियंस पर ही ना वार करने बैठ जाए। वो स्नेक्स वाली कहावत वापस से याद दिलाना चाहूंगा, यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स। वेल, आपको क्या लगता है फ्रेंड्स इस बारे में, कॉमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया एक और एक पर्सपेक्टिव से अल्फा कंट्री बनती जा रही है। एंड व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड अल्फा, बिकॉज इंडिया अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर एट द सेम टाइम दूसरे बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग क्लाउट भी बना रहा है, जिस वजह से कई लोग कहते हैं कि इंडिया स्विट्जरलैंड की तरह अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिक्स में पोजिशन कर रहा है। अब वो कैसे, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। दिस इज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेड बाय इंडिया, यू डेफिनेटली वांट टू चेक इट आउट। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, एक लाइक जरूर ठोकना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी मालूम पड़े कि क्या चल रहा है दुनिया में। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।